हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो जो हम कर रहे थे ट्राइंगल्स देखने वाली, ठीक है, काउंट करने वाली इन द फिगर, वो अपने आप टर्मिनेट हो गई थी। फॉर दैट आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, ठीक है। तो हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये वाला फिगर आप देख सकते हैं, लास्ट वाला आई थिंक आपने कर लिया होगा, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, सॉल्व मैंने कर दिया था, उसका आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, इसमें आज हम ट्रायंगल्स वाला ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर वो स्क्वायर वाला रह जाएगा और रेक्टेंगल वाला रह जाएगा, फिर हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कैसे कर रहे थे कि 1 2 3 4, ठीक है, जब आपके पास एक स्क्वायर दिया हो और नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स निकालने हो, ठीक है। इसमें हमने नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे 1 2 3 4 है, तो 4 × 2 करना है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जाके प्लीज़ वो देखिए, तभी आप इसे कंटिन्यू देखिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके इस वाले अकेले का आंसर 8 हो गया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस वन, तो इसका भी 8 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 × 2 इज इक्वल टू 8, 1 2 3 4 इज इक्वल टू मीन्स हमने इसे जो है काउंट करके इंटू टू करना है, ठीक है। तो ये भी 8 हो गया और ये भी जो है वो भी 8 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, इसका भी 8 8 8 एंड 8, दैट इज़ 32, ठीक है, क्योंकि 8 4 32 हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। और देखिए, मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे हमने काउंट करना है। इसमें वो देखिए, जैसे हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो और इस पे भी ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे कि ये वाला जो है ना, ये जो लाइन है, इस पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट में चलिए, ये 1, ये 2, और ये वाली लाइन पे 2 बन रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसे, 8 हम मतलब 32 हमारे पास पहले थे, ठीक है, 8 × 4 वाला। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 इस पे बन रहे हैं, 2 इस पे बन रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों को, ठीक है, ये 1 और ये 1, और ये बीच में एक लाइन, तो यहाँ पे 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 32 थे पहले, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, क्योंकि ये हमारे पास कॉमन लाइन्स है और इन पे जो है वो दो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो कितने हो गए, 6। अब ध्यान से आगे देखिएगा, अभी भी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमने ये जो पॉइंट्स है ना, जो बड़ा ट्राइंगल बना रहे हैं, रुकिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये एक ट्राइंगल बन रहा है बड़े वाला, तो एक ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो 32 हमारे पास पहले थे, 6 हमने जो ये वाली लाइंस थी उनके लिए थे, ठीक है, और एक हमारे पास ये बड़ा ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अभी भी मैं बताती हूँ, और भी रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला, एक मिनट, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल दिख गया, एक ये वाला है और उसी तरीके से एक ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितने ट्राइंगल बन गए, 3 ट्राइंगल निकले यहाँ से आपके, ठीक है। और यही है हमारे टोटल, ध्यान से एक एक चीज़ को आपने ध्यान से देखना है, मीन्स इसके 8, इसके 8, इसके 8, इसके 8, 8 8 तो आपको पता चल गया था, और ये वाले और ये वाला इसका 2, ये वाला और ये वाला इसका 2, और इधर वाले के भी 2 बनेंगे ऐसे और ऐसे वाले, और फिर ये बड़े वाला ट्राइंगल 1, ये वाला ट्राइंगल 2 एंड ये वाला ट्राइंगल 3। तो ये हमारे पास टोटल इतने आ गए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जब आप इसका टोटल करेंगे, 6 3 9 11, 41 41 ट्राइंगल्स है इसमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये आ पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इन्हें कैसे करेंगे, तो पहले सबसे पहले इसे आप ट्राइंगल गिनिए, 1 2 3 एंड दिस वन इज़ 4, तो 4 ये हो गए,
प्लस ये बड़े वाला, ठीक है, इसमें सिंपली ऐसे करना है। तो ये कितने हो गए, 5। और बस आपको पहली बार ये वाली फिगर ध्यान में रखनी है। इस फिगर में जाने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए, ये एक बड़ा ट्रायंगल है, उसमें आपको छोटा ट्रायंगल दिख रहा है। तो जब भी आपको बड़े ट्रायंगल में जब छोटा ट्रायंगल दिखे तो आपको 4 मार्क करना है, ठीक है, पहली बात। और ये बड़े ट्रायंगल वाले का तो 1 ही है, ठीक है। जब आप ये वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, थर्ड वाले पे, तो इसमें आप देखिए, ये बड़े वाला दिख रहा है एक, तो इसका एक सेपरेट अलग से रखना है। ये वाला ट्रायंगल मैंने जब भी बताया था कि जब आपको एक ट्रायंगल एक बड़े ट्रायंगल में दिखे तो उसका 4 होता है। और नेक्स्ट जब आप देख रहे हैं, उसी ट्रायंगल के बीच में एक ट्रायंगल है, मीन्स उसका भी एक 4 होगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है, ये ध्यान रखना है कि जब एक बड़े ट्रायंगल में एक छोटा ट्रायंगल हो तो उसके 4 बनते हैं प्लस एक बड़े ट्रायंगल वाला। और उसी तरीके जब हम इसमें आते हैं, तो एक बड़े ट्रायंगल वाले का तो हमने 1 रख लिया, उसके बीच में एक ट्रायंगल है उसका 4 रख लिया, और उसके बीच में एक ट्रायंगल है उसका 4 रख लिया। और ये 4 कैसे आया था ये मैंने आपको बता दिया था, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या बनेगा, एक बड़े ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है, उसी ट्रायंगल के बीच में एक और ट्रायंगल है, तो 4, मतलब 2 ट्रायंगल थे तो 4 और 4, और एक बड़ा ट्रायंगल, वो एक, टोटल आपके पास 9 आ गए। तो 9 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे हैं इस फिगर में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये वाला देखते हैं, ये भी वैसा ही है ट्रायंगल वाला ही, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कितने बन रहे हैं, देखिए एक बड़े ट्रायंगल वाले का तो 1, ये जो बड़े ट्रायंगल में एक छोटा ट्रायंगल है 4, उसके बीच में एक, उसका भी 4, उसके बीच में एक 4, उसका भी 4, तो ये कितने आ गए, 12 एंड दिस 13, तो 13 ट्रायंगल है इस फिगर में, ठीक है। एक दूसरे तरीके का भी सम है, वो भी देख लीजिए, ये वाला। तो इसमें कैसे करना है आपको, पहले आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो ट्रायंगल है ये आपको अभी इस लाइन, इन लाइंस को भूल जाओ, ठीक है, इन लाइंस को भूल जाओ, इसी को देखो। ये वाला एक ट्रायंगल है, बड़े ट्रायंगल के बीच में 4 और एक 5, 5 तो उनका आ गया, ठीक है। अब देखो 1, 2 एंड 1, 2, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, जब आपके पास ऐसा ट्रायंगल दिया हो 1, 2, तो हम क्या करते थे, 1 + 2 = 3। तो आप यहाँ पे देखिए, तो 1, 2 ही बन रहा है, तो इसका 3 आ गया, इसका भी 3 आ गया, इसका भी 3 आ गया, और जो हमने पहले गिने हुए थे, ठीक है, ये बड़े ट्रायंगल में 4 + 1, ठीक है, तो ये 5 पहले थे हमारे पास, ठीक है, 9 और 5 14, तो 14 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये वाले भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये हमारा लास्ट है, इसके बाद आप जाके और क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम पॉज कीजिए वीडियो और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका देखिए, 1, 2, 1, 2, 1, 2, तो क्या आ गया, 3, 3 एंड 3, और बड़े में मतलब एक में एक छोटा ट्रायंगल है उसके 4, उसके बीच में भी एक छोटा ट्रायंगल है उसके 4, तो ये आ गया 9, 9 और 9 18, तो टोटल इसके आ जाते हैं 18 ट्रायंगल्स इसको फिगर में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस कैसे काउंट करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर लेके आएंगे और रेक्टेंगल की भी बात हम करेंगे। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच।